Hello students, okay, today I am going to teach you that how to solve the multiplication of a decimal numbers. Decimal numbers को किस तरह से आप multiply कीजिएगा, आज हम ये इस वीडियो में देखेंगे. देखिए आपका पहला ये चीज़ क्या है आपका, you have the first topic is that multiplication by 10, 100, 1000, 10,000 etc. That means when you have to multiply with the मल्टीपल्स ऑफ 10, है ना. जब डेसिमल नंबर को आपको 10 के मल्टीपल वाले नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब कैसे आपको मल्टीप्लाई किया था देखिए. सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे ए नंबर, दैट इज यू हैव गिवन 562, इट इज 56.25 गिवन है, इनटू मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है 10 से. फिर क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट इज जीरो एंड व्हाट इज हियर 1, दैट इज 5625 into 1, you have same 5625, point को देखना नहीं आपको, है ना, तो इसको multiply करके इतना आ गया. अब एक zero आपको यहाँ पे क्या करना है, put कर देना है. Now see how many after how many digits there is, here is point, see 1, 2, okay, now count them 1, 2, see ये हो गया आपका answer, ठीक है. अब आपको एक और दूसरा example ले लेते हैं, जैसे आपका यहाँ पे 1, 6, 3, 8, 9 ये आपका है, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है. तो क्या करना है, सिंपल इसको 1 से पहले मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्ट आ जाएगा 16259, है ना. एंड व्हाट हियर 30, पुट हियर 30, नाउ काउंट द पॉइंट, है ना, 1, 2, हाउ मेनी आफ्टर हाउ मेनी हियर इज पॉइंट आफ्टर टू डिजिट, बिफोर टू डिजिट, नाउ काउंट हियर हियर ऑल्सो 1, 2, यहाँ पे, ठीक है. कितने डिजिट्स पहले का पॉइंट है आपको यहाँ पे काउंट करके लिख देना है, ठीक है. ये हो गया. और एक या फिर आप ये भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, पॉइंट का शिफ्टिंग कर सकते हो लेफ्ट टू राइट. अगर आपका 10 होगा, पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट पहले के बाद, ठीक है. अगर आपका 10 है तो एक डिजिट देखो, यहाँ पॉइंट था यहाँ भी है, और यहाँ पे भी अगर आपका 16259 लिख दो, पॉइंट आपका यहाँ है, यहाँ 30 है, मीन्स 3 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा. तो 1 यहाँ है ना, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट नहीं है, दैट मीन्स 0 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका. तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है. तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया, इस तरह से आपको एक्सरसाइज में जो भी होगा वो सॉल्व करना है, ओके. नाउ